ये मेरे गांव का मंदिर। आज मैं गांव आया हूँ। ये मंदिर के चारों तरफ का दृश्य और ये रहा मंदिर। तो पितृ पर चल रहे इसके अंदर मैं आपको अंधेरे में दिखाया था, आज रोशनी है तो रोशनी में दिखाता हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ हम बचपन में खेलते थे। अब तो ये काफ़ी अच्छा बन गया है, पहले काफ़ी टूटा फूटा था, गांव वालों ने रेनोवेट कर दिया है। ये हवन यहाँ पे होता है और पानी कुआं, पहले ये चार दीवारी कुएं पे नहीं थी, लेकिन है ये पुराना ही, जब से मैं पैदा हुआ तब से है। कुआं भी तभी से होगा। उसके उधर बाग है अपनी। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। तो ये कलश तो नया रखा हुआ है, लेकिन ये शिवलिंग पुराना है। ये जितनी भी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं सब पुरानी हैं। मतलब ये पूरा गांव इन मूर्तियों को 300 साल से संभाल के रखा हुआ है। तो ये मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। शंकर भगवान जी हैं, नंदी है कोने में, और ये जो बाढ़ लगी है ये नहीं है, ये स्टील की, पहले ही नहीं था। ये काली माता जी की है मूर्ति, हनुमान जी हैं, ऊपर नाग देवता हैं, जो टूट गए हैं, लेकिन ये भी पुराना है। और ये मंदिर की छत है, तो ये मंदिर है और ये अच्छा मंदिर है। चलिए बाहर निकलते हैं। बेलपत्र चढ़ गए हैं, सुबह सुबह पूजा बाबूजी ने कर लिया है, छोटे बाबूजी ने पूजा पाठ कर लिया है। और ये आइए, केवाड़ बंद कर देते हैं। इस केवाड़ को भी ताला नहीं लगता, कोई भी आता है, कभी भी आए, रात को आए, दिन में पूजा कर सकता है। बस हम कुंडी लगा देते हैं कि जानवर अंदर ना जाए, हर इंसान यहाँ पे यही करता है। ये सबके लिए है और यहाँ पे कोई पुजारी भी नहीं है जो इसकी देखरेख करे, तो गांव वाले मिलकर देखरेख करते हैं।